और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई उन तमाम लाखों छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले। इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो भी छात्र बैठने वाले, चाहे वो 10वीं के हो, 12वीं के हो, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा सभी छात्र छात्राओं के लिए की गई और साथ ही बहुत ही बड़ी राहत भी प्रदान कर दी। आप सभी छात्र छात्राओं को बता दें कि इस बार किसी भी छात्र छात्राओं को टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसा बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है जिसको सुनकर छात्र छात्राएं फूले नहीं समाएंगे। आप सभी को बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी और अहम घोषणा कर दी है। इसकी संपूर्ण जानकारी वह अपडेट आपको आज हम इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ देने वाले। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ में आप किस बोर्ड वाला संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी हैं कमेंट सेक्शन में अपने बोर्ड वाला राज्य का नाम भी कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आपके बोर्ड वाला से जुड़ी हुई जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस से सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़े वायम बदलाव किए गए, जो कि देश के सभी छात्र छात्राओं के लिए अभी अभी हाई लेवल मीटिंग के माध्यम से बहुत ही बड़े व महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के अंतिम सप्ताह तक चलने वाला है। ठीक 20 दिन बाद रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी। इस बार सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेपर की भी हिंट जारी कर दी और बताया है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के ठीक 3 दिन पहले ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। पेपर इस बार क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाएगा। अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं हैं और अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि किसी भी छात्र छात्राओं को पूरी बुक से याद कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर जिलेवार कोर्स अलग अलग होते हैं। तो छात्र छात्राओं को ऐसे में बहुत ही इजी वे में ऐसा तरीका समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हर स्टेट व जिले के नोट्स से लिखवाने का तरीका अलग अलग होता है, जिसका मींस तो एक ही होता है। बस इस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए कि विद्यार्थियों को क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखवाने का भी प्रयास करवाया जाए, ताकि छात्र छात्राओं की प्रैक्टिस बनी रहे। इससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे अच्छे से साफ सुथरा हैंडराइटिंग के साथ क्वेश्चन आंसर लिख कर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक पाकर टॉप कर सके। दोस्तों इसी प्रकार से सभी बोर्ड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर